मैं तो लिटरली इतने सालों से बोलती आ रही हूँ, अभी भी बोल रही हूँ, मैं जो कुछ सीखी हूँ उनकी वजह से सीखी हूँ। या सीन के वक्त इम्प्रोवाइजेशन होता है या कुछ यू नो अलग करते हैं, तो वी आर ऑलवेज ऑन बोर्ड टुगेदर एंड आई थिंक हमारी केमिस्ट्री भी लोगों को झलक दिखला आ जाओ में बहुत इंटरेस्ट था। लास्ट ईयर आया था, दैट टाइम आई वॉज डूइंग अ शो। सैटरडे संडे मेरा एकदम सॉर्टेड रहता है, आई लव रोहित शेट्टी एंड इट्स स्वागत है मीरा आपका दिल्ली चक्कर पर। बहुत दिनों बाद हाथ लगे हो। ऐसे अपनी खूबसूरती का राज बताइए, कैसे मेंटेन रखा है? थैंक यू सो मच, आई एम वेरी फ्लैटर्ड। कुछ नहीं किया है जेन्युइनली, बस थोड़ा सा मेकअप लगाया, तैयार हुए और आए। सो या रिसेंटली हमने विजेंद्र का इंटरव्यू किया एंड आई आस्क्ड हिम कि इतनी अभिनेत्रियों के साथ आपने काम किया, किसके साथ आपको काम करने में मजा आया एंड हु डू यू फाइंड को-स्टार जिसके साथ आप काम करना चाहोगे या इंटरेस्टिंग? उन्होंने मीरा का क्या कहना था? यार मतलब वी हैव वर्क्ड फॉर 3.5 years टुगेदर एंड मैं तो लिटरली इतने सालों से बोलती आ रही हूँ, अभी भी बोल रही हूँ, मैं जो कुछ सीखी हूँ उनकी वजह से सीखी हूँ। आई हैव हैड द बेस्ट एक्सपीरियंस वर्किंग विद हिम एंड वी आर स्टिल वेरी गुड फ्रेंड्स। मतलब वी कीप ऑन मीटिंग थोड़े थोड़े टाइम में एंड क्रिएटिवली ना ही एंड आई काफ़ी मतलब मिलता जुलता है दिमाग, तो पता होता है कि क्या चल रहा है दिमाग में। या सीन के वक्त इम्प्रोवाइजेशन होता है या कुछ यू नो अलग करते हैं, तो वी आर ऑलवेज ऑन बोर्ड टुगेदर एंड आई थिंक हमारी केमिस्ट्री भी लोगों को इतनी पसंद आई थी, सो आई थिंक वाई नॉट। आई मीन जितनी बार आई थिंक वील हैव एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क टुगेदर, आई वुड लव टू वर्क विद हिम। ही इज़ बाई फार माई मोस्ट फेवरेट वन। अच्छा, टॉकिंग अबाउट वर्क, व्हाट इज कमिंग टू लाइक नेक्स्ट, क्या आ रहा है? या आप बहुत ज्यादा चूजी हो गई हैं? नहीं, मैं कोई चूजी नहीं हुई हूँ, बट इट्स जस्ट दैट सर्टेन थिंग्स टेक टाइम। माय लास्ट कैरेक्टर दैट आई प्लेड हैड अ डिफरेंट शेड, उसमें मुझे बहुत अलग लगना था, तो अब वापस थोड़ा अलग लगने में थोड़ा सा टाइम जाता है एंड देन आई मीन आई वॉन्ट टू डू अ गुड शो एंड ऑनेस्टली बोलूँ तो मुझे टीवी की बहू बनने में बहुत मज़ा आता है, तो मैं लाइक आई एम रियली वेटिंग कि ऐसा हो और जल्दी आई बी बैक ऑन स्क्रीन। लास्ट क्वेश्चन, बहुत सारे लोग रियलिटी शोज की तरफ मुड़ रहे हैं, एनी प्लान मीरा एनी फॉर एनीथिंग फॉर रियलिटी शो? ऑनेस्टली बोलूँ मुझे झलक दिखला आ जाओ में बहुत इंटरेस्ट था। लास्ट ईयर आया था, दैट टाइम आई वॉज डूइंग अ शो, सो आई कुडंट डू इट। दिस ईयर दे आर नॉट गेटिंग अ सीजन एंड आई वॉन्टेड टू डू दैट। बाकी तो आई एन्जॉय वॉचिंग दीज रियलिटी शोज, बट या दैट्स अबाउट इट। हाँ, आई लव वॉचिंग, बट या उतना ही है। बोथ, लाइक आई एम अ बिग खतरों के खिलाड़ी फैन। मतलब लाइक मैं लिटरली सैटरडे संडे मेरा एकदम सॉर्टेड रहता है, आई लव रोहित शेट्टी एंड इट्स अ लॉट ऑफ फन टू वॉच इट। पर नहीं नहीं, दोनों चीज़ें नहीं, बिकॉज आई डोंट थिंक आई एम बिग बॉस मटीरियल एंड खतरों के खिलाड़ी के लिए यू रियली नीड टू बी वेरी गट्सी एंड मतलब मुझे रेप्टाइल से इतना डर लगता है, हाइट से इतना डर लगता है, आई डोंट वांट टू मेक अ फूल ऑफ माई सेल्फ। सो आई अप्रिशिएट उन सबको जो वहाँ जाके एकदम फाड़ू शो यू नो लाइक स्टंट्स कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।